हम बात करेंगे यूनिक इरेजर्स की। सबसे पहले हमने देखा मरमेड वाला इरेजर, ये दो कलर में था, काफ़ी अच्छा था और कलरफुल भी था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इरेज करने के बाद भी अच्छी तरह इरेज हो रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा चॉकलेट वाला इरेजर, वो भी काफ़ी यूनिक था क्योंकि उसकी स्मेल भी चॉकलेट जैसी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा यूनिक कलेक्शन थे मार्केट में, तो जिस शॉप पर मैं गई थी स्टेशनरी शॉपिंग करने, वहाँ बहुत सारी कलेक्शन थी इरेजर्स की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए पाइनएप्पल वाला इरेजर और रोबोट वाला इरेजर, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये दोनों इरेजर्स। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताओ। इसे तो हम स्टेशनरी शॉपिंग करने गए थे क्योंकि हमें किसी को गिफ्ट देना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ अच्छी लगी स्टेशनरीज़ की, खासकर इरेजर्स की। मुझे लिपस्टिक वाले इरेजर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और इसमें कलर्स भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा थे और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी इसमें से, तो मुझे काफ़ी पसंद आई। वहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शंस दिखे गर्ल्स इरेजर्स के और काफ़ी यूनिक थे और पिंक कलर के थे खासकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि मुझे पिंक कलर की स्टेशनरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ये गर्ल्स इरेजर कैसे लगे और आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद मैंने देखे सॉप वाले इरेजर, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे और काफ़ी शॉप्स पे भी मैंने देखे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये वाले इरेजर। मार्केट में ये चार कलर में अवेलेबल थे, पिंक, ब्लू, येलो और ऑरेंज। पर्सनली मुझे पिंक और ब्लू ज़्यादा पसंद आए, पर मुझे स्टेशनरी गिफ्ट करनी थी तो मैंने चारों कलर में परचेज। इसके बाद मैंने देखे ये फ्लोरल प्रिंट वाले इरेजर्स, ये तीन कलर में अवेलेबल थे और मुझे इसमें भी पिंक ही पसंद आए ये वाले इरेजर, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। इसके बाद मैंने देखा क्ले वाला इरेजर, मैंने इससे पहले कभी मार्केट में ये इरेजर देखा नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मुझे। आप इसको क्ले की तरह कोई भी शेप में दे सकते हो और इजीली रब भी हो जाता है ये, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला इरेजर। इसके बाद मैंने देखा क्रोमी वाला इरेजर, ये मार्केट में दो कलर में अवेलेबल था, ऑरेंज और पर्पल। मैंने दोनों की ही अनबॉक्सिंग की है, मुझे दोनों ही पसंद आए, पर पर्सनली मुझे पर्पल कलर का ज़्यादा पसंद आया। और ये मैग्नेटिक भी इरेजर है तो साथ में मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो इसका डस्ट है वो इसको मैग्नेट से ये इसको अपने अंदर ले रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ में मुझे कमेंट करो कि आपका फेवरेट इरेजर कौन सा है, और अगर आप भी स्टेशनरी शॉपिंग करने जाओगे तो, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कौन सा गिफ्ट करोगे ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। बाय।